तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होने का खबर जो है आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा है कि भाई इंडिया से सऊदी अरब का तो न्यूज आ चुका है कि इंडिया से सऊदी अरब जिनको जाना है वो जा सकते हैं डायरेक्ट नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट ले करके और सऊदी एयरलाइंस का टिकट ले करके। जो लोग को इंडिया से सऊदी अरब जाना है वो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये न्यूज आया हुआ लगभग 3-4 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक बहुत लोगों का जो है टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार टिकट एयर इंडिया एक्सप्रेस हो या फिर सऊदी एयरलाइंस का क्यों बुकिंग नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो आप लोगों का सवाल आता है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिरकार ये जवाजात क्या आदमी लोगों को रिप्लाई दे रहा है कि जिस कंट्री के ऊपर अभी जो फ्लाइट सस्पेंड था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 13 कंट्री के ऊपर फ्लाइट सऊदी गवर्नमेंट ने सस्पेंड करके रखा हुआ था। तो आखिरकार ये जवाजात क्या आदमी लोगों को रिप्लाई दे रहा है, उनसे जो आदमी लोग सवाल करते हैं कि सर जिस कंट्री के ऊपर आपने फ्लाइट सस्पेंड रखा था अगर उस कंट्री के लोग अभी आएंगे तो वो लोग टिकट बुकिंग करके क्या आ सकते हैं, तो जवाजात आखिरकार क्या उसको रिप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी ने सवाल पूछा था जवाजात से कि जिस कंट्री के ऊपर बैन लगाया गया था और उस कंट्री का हमें मतलब कि टिकट उसको जो है रिटर्न लेना है, उस कंट्री में जाना है और वापस आना है जिस कंट्री के ऊपर अभी सऊदी गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। लेकिन आप लोगों को पता है कि 3-4 दिन पहले अनाउंसमेंट आया है कि उस कंट्री के ऊपर बैन हटा लिया गया है। तो अभी जवाजात क्या रिप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी ने सवाल पूछा था कि सऊदी अरब आना है जिस कंट्री के ऊपर आपने बैन लगाया था और उस कंट्री के लोग अगर अब सऊदी अरब वापस आते हैं, जैसे कि कोई टिकट रिटर्न ले लेंगे जिन लोगों को सऊदी अरब से इंडिया आना है या फिर इंडिया से सऊदी अरब जाना है, तो लोग आदमी लोग टिकट रिटर्न भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक आदमी ने सवाल पूछा था, तो जवाजात उनको कह रहा है कि सऊदी अरब में अभी वही लोग एंट्री कर सकते हैं जैसे कि चिकित्सा, जैसे हेल्थ से रिलेटेड लोग, वो लोग सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। राजकीय मतलब जो सरकारी वर्कर हैं वो लोग डायरेक्ट फ्लाइट और सऊदी अरब का ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग पता है कि डायरेक्ट नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो एग्जिट री एंट्री वीजा वाले और एकामा होल्डर आ सकते हैं, इस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन यहाँ पे और जवाजात जो है इसको रिप्लाई दिया है कि इंडिया का भी नाम बताया जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री पे बैन जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बरकरार रहा है। और मैं आपको ये ट्वीट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ट्वीट 27 अगस्त का है और ये 4:01 का ये अपडेट है। एक आदमी को जो है यहाँ पे जवाजात रिप्लाई दिया है कि अभी भी फ्लाइट सस्पेंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है। ले जवाजात कह रहे कि अभी भी जो है फ्लाइट सस्पेंड है। यहाँ पे बात करें एयर इंडिया एक्सप्रेस का, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस से आज एक आदमी ने सवाल पूछा था कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट कब तक चालू होगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने तो परमिशन दे दिया है कि जिनके पास एकामा और एग्जिट री एंट्री वीजा वैलिड है वो लोग नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट लेके सऊदी अरब आ सकते हैं, तो उनके लिए कब तक फ्लाइट जो है शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी ने सवाल पूछा, कृपया भारत से सऊदी अरब के लिए उड़ान खोले, कृपया हमारी मदद करे, यहाँ पे सवाल पूछा था। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस देख सकते हैं क्या रिप्लाई दिया उसको, कहा है कि जैसे ही हमें सऊदी अरब के लिए उड़ान के संबंध में जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट कर देंगे, नवीनतम अपडेट के लिए कृपया हमारे ट्विटर और वेबसाइट पर जानकारी रखिए। मतलब कि एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अभी आदमी लोगों को यही रिप्लाई दे रहा है कि जो लोग को अभी इंडिया से सऊदी अरब जाना है उनको जो है वेटिंग करना होगा, क्योंकि कह रहा है कि अभी हमें कोई भी अपडेट नहीं मिला है इंडिया से सऊदी अरब फ्लाइट के बारे में। और ये भी ट्वीट है 27 अगस्त का ही है, 8:56 का है। यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस आदमी लोगों को ये रिप्लाई दे रहा है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए अभी तक फ्लाइट के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दूँ ये तो हो गया एयर इंडिया जो है आदमी लोगों को इस तरीके से रिप्लाई दे रहा है, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो लोग को इंडिया से सऊदी अरब जाना है वो जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये ट्वीट, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेसिडेंसी वीजा, जिनके पास रेसिडेंसी वीजा है मतलब वहाँ पे फैमिली के साथ रहते थे, वो लोग इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। उसके बाद एकामा होल्डर, जिनके पास एकामा है सऊदी अरब का, वो जा सकते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट लेके, वो लोग इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। इसके बाद वैलिड एग्जिट रीएंट्री वीजा, ठीक है, जिनके पास एग्जिट रीएंट्री वीजा है वो लोग भी अब एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट लेके सऊदी अरब जा सकते हैं। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्वीट है।
ये भी आज का एक ट्वीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज ट्वीट किया है, वो भी 2 साल के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने। यहाँ पे नीचे में बताया जा रहा है कि जो लोग सऊदी अरब में दोनों डोज वैक्सीन कंप्लीट कर लिया है वही लोग इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट लेकर। अभी मैं आपको एयर इंडिया का ट्वीट दिखाया हूँ रात के 8 बजे का, आदमी लोगों को ये रिप्लाई दे रहा है कि अब इंडिया से सऊदी अरब के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो लोग को इंडिया से सऊदी अरब जाना है वो बिल्कुल जा सकते हैं, जो वीजा बताया है जैसे कि वहाँ पे फैमिली के साथ रहते थे वो लोग भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये न्यूज़ कंफर्म है कि जब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया है कि इंडिया से और 13 कंट्री के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसको जो है हटा लिया गया है, जो लोग को इंडिया से सऊदी अरब जाना है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो मेन पॉइंट आ जाता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने तो ट्वीट कर दिया है कि जिनके पास एकामा वैलिड है, एग्जिट री एंट्री वीजा वैलिड है, वो लोग इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी ट्वीट करके बता दिया आदमी लोगों को। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है कि आखिरकार ये टिकट कब से बुकिंग होगा। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जब अनाउंसमेंट हुआ है तो लगभग 1 से 2 दिन या 2-3 दिन 4 दिन भी लग सकता है। इसका जो है हर एक एयरलाइंस को जो है GSCA सर्कुलर भेजा है कि किस तरीके से आदमी लोगों को लेके आना है, क्या क्या नियम फॉलो करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। तो उसमें जो है हो सकता है तो टाइम भी लग सकता है 2 दिन या 4 दिन, लेकिन आप ट्राई करते रहिए। देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट बुकिंग हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था कि अगर इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट शुरू भी होता है तो सऊदी एयरलाइंस पहले अनाउंसमेंट करेंगे या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस अनाउंसमेंट करेंगे कि जिन लोगों को इंडिया से सऊदी अरब जाना है वो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आखिरकार यही हुआ, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि जो लोग को इंडिया से सऊदी अरब जाना है वो बिल्कुल जा सकते हैं, एग्जिट री एंट्री वीजा वैलिड होना चाहिए, कामा होना चाहिए, रेसिडेंसी वीजा वाले भी इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट लेकर के जा सकते हैं। और जो लोग अभी कन्फ्यूज है एयर इंडिया को पूछते हैं कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए कब फ्लाइट चालू होगा, और आपको एयर इंडिया ये रिप्लाई देता है कि अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिला है इंडिया से सऊदी अरब के लिए, तो आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। सऊदी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल पे भी आ चुका है कि जो लोग इंडिया से सऊदी अरब जाना है वो बिल्कुल जा सकते हैं। सऊदी इंडियन एम्बेसी हो उसने भी ट्वीट करके बता दिया है कि जो लोग को इंडिया से सऊदी अरब जाना है वो जा सकते हैं, उनके पास एग्जिट री एंट्री वीजा वैलिड होना चाहिए और सऊदी अरब में दोनों डोज वैक्सीन का कंप्लीट कर लिए हैं वो लोग इंडिया से सऊदी अरब आराम से जा सकते हैं। तो हो सकता है एयर इंडिया को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा या फिर उसका कुछ सिस्टम होगा, उसी तरीके से आदमी लोगों को जो है रिप्लाई दे रहा है। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी ट्वीट आज आपने देख लिया, तो ये न्यूज़ जो है पक्का है, आप आराम से इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसका चैनल का नाम है धीरज पबजी मास्टर, ये नया चैनल खोला हुआ है और ये भाई डेली हमें कहते हैं कि भाई आप अपने सब्सक्राइबर को एक बार बोल दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसका भी चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है पबजी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं और भी अभी नया है, अभी सीख रहे हैं, तो आप इनको जो है इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो ये भी भाई का जो है थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ मत करिए, आपको वीडियो देखना है नहीं भी देखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भाई डेली बोलते हैं कि भाई थोड़ा बोल दो, मैंने सोचा कि आज आप लोगों को जो है बता ही देता हूँ। तो दोस्तों ये था कुछ फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के।